एक नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत थोड़ा सा टाइम लूंगा, क्योंकि इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट उस वीडियो के बारे में बता दूंगा, जो वीडियो है बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उस वीडियो में है क्या क्या। उस वीडियो में कोई क्लासेस में हमें मोटिवेशन कैसा मिलना चाहिए, मेंटरशिप कैसा मिलना चाहिए, मॉक टेस्ट कैसा होना चाहिए, और उस क्लास का स्टडी मटेरियल कैसा होना चाहिए, और उस क्लास का हमारे घर से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, और फिर डिसिप्लिन के बारे में और फैकल्टी के बारे में। तो जिस वीडियो के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, अब तक के जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं वो सारे पॉइंट उस वीडियो में कवर हैं। अपना भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जब मुझे भी कैट कोचिंग ज्वाइन करना था तो बहुत डाउट आ रहा था कि कौन सा कोचिंग लगाऊं कौन सा नहीं लगाऊं, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है और हमारे मम्मी पापा की इतनी मेहनत की कमाई रहती है, वो किसी गलत क्लास में ना चली जाए। इसलिए आप थोड़ा सा टाइम लेना, जिस वीडियो के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो वीडियो देखने के बाद आपका दिमाग खुल जाएगा। तो उन चीज़ों को आप अच्छे से रिसर्च करना और फिर क्लास ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जब हम कोई चीज़ को अपना 100% एफर्ट दे के फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद मे बी इन फ्यूचर वो क्लास ठीक नहीं हुआ या फिर कुछ चीज़ें वहाँ की हमें प्रॉब्लम कर रही हैं, तो हम खुद को ब्लेम नहीं करते कि, क्योंकि हम सोचते हैं कि उस टाइम पे जो मुझे नॉलेज मिले उसके अकॉर्डिंग पे मैंने अपना बेस्ट एफर्ट देके इस क्लास को चुना है, इसलिए मेरी गलती नहीं है। हाँ, जो चीज़ें मुझे इस क्लास से नहीं मिल रही हैं वो मुझे अब कैसे मिलेंगी, उस चीज़ पे हम अपना ध्यान देते हैं, बल्कि हम खुद को दोष नहीं देते कि अरे यार मुझे ये कोचिंग नहीं लेना था। इसलिए आप थोड़ा सा टाइम लेना, और वो वीडियो है श्वेता अरोड़ा जी का, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उससे आप श्वेता अरोड़ा जी के डायरेक्ट वीडियो पे चले जाओगे। उनका वीडियो आप अच्छे से देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, ऑलरेडी उन्होंने इतना अच्छा वीडियो बना दिया है। तो वो सारे पॉइंट मैं फिर से इस वीडियो में नहीं डाल रहा हूं, बस आपको डायरेक्शन दे रहा हूं कि आप उस वीडियो को देखना और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूं श्वेता अरोड़ा जी की, वो श्वेता अरोड़ा जी के वीडियो में उन्होंने कैट कोचिंग से रिलेटेड एक सर्वे लिया था, जिसमें बहुत सारे कैट पास एस्पिरेंट ने अपना फीडबैक दिया है, और उस सर्वे को कैसे रीड करना है, उसमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या चीज़ें ध्यान रखना है, ये भी श्वेता अरोड़ा जी ने अपने वीडियो में बताया है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्ट श्वेता अरोड़ा जी के वीडियो में जाओ और वो वीडियो आप अच्छे से देखो, उसके बाद आपको कौन सा कैट कोचिंग ज्वाइन करना है ये डाउट खत्म हो जाएगा। आप थोड़ी सी मेहनत करना, थोड़ा सा टाइम देना और अच्छे से एनालाइज करना और फिर कैट कोचिंग ज्वाइन करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो नहीं, लेकिन जो श्वेता अरोड़ा जी का वीडियो है वो वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने उसको 2-3 बार देखा और बहुत अच्छे तरीके से वो वीडियो बनाया गया है। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप श्वेता अरोड़ा जी के वीडियो पे जाओ और वो देखो। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी कैट से रिलेटेड चीजों को लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।